नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा सिंह। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर जगह अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मरीजों की जान चली जा रही है। कल की बात करें तो कल बिहार में 14,816 संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही कई लोगों की मौतें भी हुई है। देश में अस्पताल और बेड ऑक्सीजन की किल्लत के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मरीज सड़क पर ही दम तोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अस्पताल में बेड नहीं मिलने के कारण महिला दरोगा के पति की मौत हो गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। दरोगा के पति के मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजन का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। इसके साथ ही दरोगा अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। देश में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में बेड नहीं मिलने की वजह से मरीज सड़क पर ही दम तोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में बेड नहीं मिलने की वजह से महिला दरोगा के पति की मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि दरोगा ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह मामला मध्य प्रदेश के अशोक नगर का है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय पटवारी कमलेश भगत के रूप में की है। पटवारी की पत्नी आदियाना चंदेरी थाने में एसआई है। दरोगा अपने पति को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लाई थी, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद भी कमलेश को बेड नहीं मिला। मजबूरन एसआई ने फर्श पर ही चादर बिछाकर बीमार पति को लिटा दिया, लेकिन फर्श पर ही कमलेश भगत की मौत हो गई। आदियानंद ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि कई बार मिन्नतें करने के बावजूद भी डॉक्टरों ने उन्हें न तो कोई दवा दी और न ही इंजेक्शन लगाया। बता दें कि मृतक कमलेश मुगावाली क्षेत्र के पटवारी में पद पर पदास्थापित थे और कंटेनमेंट क्षेत्र में सहित अन्य कार्य में लगे हुए थे। अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लगातार मरीजों की जान जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में एक एसआई के पति को बेड नहीं मिलने के कारण उनकी फर्श पे ही जान चली गई है। आपको बता दें कि महिला डॉक्टर से अनुरोध करते रही, लेकिन इसके बावजूद भी दवा और इंजेक्शन नहीं मिला। मजबूरन एसआई ने अपने पति को फर्श पर लिटा दिया, जिसके बाद एसआई के पति की मौत हो गई। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।